अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। जी तो व्यूवर्स, अब चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही स्पेशल, डिफरेंट, यूनिक और ईजी है। और वो क्या है? वो है चिकन पकौड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सबका मनपसंद चिकन पकौड़ा, छोटे हों बड़े हों सबको बहुत पसंद होता है। और हम लोग अमूमन बाज़ार से मंगा कर खाते हैं, लेकिन वही रेसिपी बिल्कुल बाज़ार जैसे, लेकिन हम लोग आपको घर में आसानी और फुल टेस्टी बनाना सिखा रहे हैं। तो ये कैसे बनेगी ये पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों? बिस्मिल्लाह रहमान। ये 2 किलो गोश्त है, ठीक है, चिकन का। ये 1 चम्मच मैंने मिर्चों का ले लिया, जीरा मैंने पहले डाल दिया था, ठीक है। तो अब ये मैं ना 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च क्या, जीरा भी मैंने डाल दिया, ये भी। अब नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच, ठीक है। बेसन तो उसको लगाएंगे ना जब तलना, ठीक है। बिल्कुल व्यूअर्स, बाजार जैसा लेकिन घर में काली मिर्च हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, तो आप लोग देख लें इसके इंग्रेडिएंट्स। मैंने ना ये सिरका डाल दिया, सिरका, ठीक है। सिरके से ज़रा खट्टा भी आ जाएगा और ये और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि आसानी घर में चिकन पकौड़ा आप बनाना सीख सकते हैं। इसलिए आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना होगा और हमारे साथ रहना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो मसाले हैं सब शामिल कर लिए हैं, चिकन अब हम लोग इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, देख लें आप। तो मम्मा, आपने मेरे चिकन को टक वगैरह कुछ लगाए हैं? अच्छा लगाए हैं आपने, ठीक है। तो इनको टक भी लगे हुए हैं चिकन को, तो ये 2-3 घंटे रखेंगे ना मैरिनेशन के लिए। हाँ जी, तो फिर ये ना अच्छे तरह हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये ना मैं ना सारा मसाला लगा के ना 2-3 घंटे के लिए रख दूँगी, फिर ना तल लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फिर टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैरिनेशन अच्छी हो जाएगी। जो बाज़ार की होती है ना बोटियाँ, वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो मैंने ज़रा बड़ी रखी है, मैंने कहा चलो कोई नहीं। वैसे भी शिलिंग तो होना ही होता है चिकन को, खुद ही खाना है, कौन सी बात है ऐसी। तो बाजार वाले तो छोटी खा लेते हैं। ये देखिए, मैंने अब मसाला लगा दिया अच्छी तरह, ये 2-3 घंटे, अगर एक रात पहले भी आप लगा दें तो कोई मसला नहीं इसका, तो फ्रिज में पड़ा रहेगा। तो मैं तो बस ये 2-3 घंटे तक के लिए लगाया मसाला, ये देखिए, ठीक है। अब ये लगा दिया ना, अब ये ना अच्छी तरह ना रच जाएगा इसमें। तो अब हम उसको रख दें मैरिनेशन के लिए, हम दोबारा दिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस ठीक। ओके व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, तो हम आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं इसके मैरिनेशन के लिए, हम इसको रख रहे हैं। और ये कैसे मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी आप लोगों ने देखना है और हमारे साथ रहना है। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसकी मैरिनेशन कर दी थी चिकन पकौड़ा की, और ये तकरीबन 3 से 4 घंटे हम लोगों ने इसको रख दिया था। अब मम्मा ने इसके अंदर बेसन शामिल किया है और इसके ऊपर कैसे कोटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। तो सिंपल हम लोगों ने इसकी जो मैरिनेशन थी वो आप लोगों के सामने की थी, और अब हम लोगों ने बेसन शामिल किया। तो मम्मा, उसके बाद हम लोग इसको फ्राई करेंगे। हाँ जी, घी मैंने रख दिया गर्म होने, ठीक है। तो वो तो जस्ट हम लोगों ने बेसन की ही कोटिंग करनी है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा बेसन नहीं लगाना, चिकन पकौड़ा है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर नाज़नीन आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो बेसन है वो लगा रहे हैं ज़्यादा। आपको मम्मा ने कहा है कि आप लोगों ने इसकी कोटिंग नहीं करनी, बिल्कुल हम लोगों ने बाज़ार की तरह का चिकन पकौड़ा घर में बनाना सिखाना है आप लोगों को, और इंशाल्लाह बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग बाज़ार का टेस्ट भूल जाएंगे और घर में बनाएंगे और हमें दुआएं देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार देखना आप लोग ये बनेगा आप लोगों के सामने इंशाल्लाह। तो हम लोग यहाँ पर इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, घी को मम्मा ने गर्म होने के रख दी, क्योंकि घी को हम लोगों ने खास टेम्परेचर पर गर्म करना होता है, उसके बाद ही हम लोग कोई चीज़ को शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग शामिल करेंगे और घी ठंडा होगा तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, सही तरह से नहीं फ्राई हो सकेगी। तो अभी सिंपली हम लोग इसके ऊपर बेसन जो है स्प्रिंकल करके इसको हम मिक्सिंग कर रहे हैं और ये हो रहा है, देन हम लोग इसको जो हमारा ऑयल के अंदर पुट करेंगे उसको फ्राई करेंगे। तो चले मम्मा हम लोग इसको, ठीक है। तो व्यूअर्स, अब हम लोग चूल्हे की तरफ चलते हैं और देखते हैं मज़ेदार जो चिकन पकौड़ा कैसे फ्राई। अच्छा जी, आप कह रहे तो मैंने ना बोटियाँ बड़ी रखी हैं, इसलिए बाज़ार की छोटी होती हैं चिकन पकौड़े की, तो मैंने बड़ी रखी हैं ये बोटियाँ, ठीक है। तो अपनी अपनी मर्जी है कि छोटी खा लो, तो मुझे ना जरा बड़ी अच्छी रहती है, अच्छी लगती है। शिलिंग भी तो होना होता है, गोश्त फ्राई हो, क्योंकि पहले छोटी हो तो मजीद और छोटी हो जाएगी वो, इसलिए। तो व्यूअर्स चलो चलते हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स अब हम लोग इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो देख लें आप लोग नाज़नीन के जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो चुका है, और जो हम लोगों ने चिकन पकौड़े के ड्रमस्टिक यानी कि जो है हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिए हैं, तो इसको हम लोग लेग पीस भी कह सकते हैं। ये देखें,
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ये फ्राई हो रहा है यहाँ पर। व्यूअर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त हमारा जो चिकन पकौड़ा है वो तैयार हो रहा है, और यहाँ पर जो हमारा चिकन है वो फ्राई हो रहा है माशाल्लाह, बहुत ही शानदार खुशबू यहाँ पर हो गई है, खट्टी मीठी सी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू, क्योंकि हम लोगों ने इसकी मैगिनेशन काफ़ी देर के लिए की थी, इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया था और हम लोगों ने अब इसको फ्राई किया है, तो क्योंकि मैगिनेशन के सर पर ही आपकी जो भी चीज़ आप लोग बनाते हैं चिकन है या जो भी चीज़ तो वो अच्छी बनती है। तो यहाँ पर ये बहुत मज़ेदार सा फ्राई हो रहा है, हम लोग दिखाते हैं ये मज़ीद किस तरह का फाइनल होगा और ये जो हमारे चिकन पकौड़ा की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। जैसे कि माशाल्लाह जो सा हमारा चिकन पकौड़ा है वो फाइनल हो चुका है, वो बन चुका है, तो मम्मा आप इसको निकाल रहे हैं? हाँ जी बेटा, बस थोड़ा सा और हो गया फिर निकाल के। तो कलर आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। हाँ जी, ये ना अच्छी तरह तला जा रहा है ना, तो गोटियाँ बड़ी थी ना, तो इसलिए मैंने ना बाज़ार की तो बहुत छोटी छोटी सी होती है ना, तो फिर मैं ये कहती हूँ कि अच्छी लगती है ये बड़ी गोटी, इसलिए मैंने ना छोटी नहीं करवाई थी। तो वैसे भी मतलब चिकन शीलिंग होना होता है तो ज़रा थोड़ी सी अगर बड़ी हो तभी बेहतर रहती है, और दूसरा ये कि हम लोगों ने चिकन को इसलिए भी अच्छी तरह से पकाना है ताकि जो हमारा चिकन है वो गल जाए, इसमें कोई कच्चापन ना रहे, क्योंकि हम लोग इसको ड्रैक्ट ही हम लोगों ने मसाला लगाने के बाद शामिल कर लिया है, तो पहले इसको कुक नहीं किया होता। हाँ अगर आप लोगों ने हाफ कुक किया हो और दोबारा आप लोग बना कर रखे, फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी गए फंक्शन वगैरह है और आपने ये बनाना है, अगर सुबह को बनाना है तो रात को लगा के रखते हैं, तो आप मैगिनेशन कर लें इसकी, तो ओवर नाइट आप लोग इसको छोड़ दें, और आप लोग अगर इसको जल्दी में मतलब गर्मा गर्म सर्व करना है तो हाफ कुक कर लें और बाद में आप लोग फिर इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं, तो फिर आपको इजी हो जाएगा, उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो ये हम लोगों ने बिल्कुल कच्चा ही डाल दिया था इसलिए इसको टाइम भी लग रहा है बनने में। तो ये आवाज़ देखिए आप माशाल्लाह कितनी अच्छी आ रही है, ये साउंड अमेजिंग, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह बाकी हम जो हमारा जो है चिकन वो हम लोग तैयार कर लेते हैं, इसको हम फ्राई कर लेते हैं, तो मैगिनेशन इसकी हुई हुई और मम्मा उसको डाल रहे हैं, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह, तो हम लोगों ने ये भी डाल दिया है, ये देखिए ऐसे ही हम उसको फ्राई कर लेंगे जैसे हम लोगों ने पहले भी चिकन को फ्राई किया है, तो हम लोग आपको दिखाते हैं ये कैसे फ्राई होगा और फाइनल कैसे होगा। तो आप लोगों ने व्यूअर्स अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हम आपको मज़ीद अच्छी अच्छी जो सी रेसिपीज़ हैं सिखाते रहें और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो हमारे साथ रहें, हमारी वीडियो को पूरा देखें। हाँ जी ये तैयार हो गए हैं, तो अब निकालने में मैं इसलिए दबा देती हूँ ना, अगर कोई कसर हो तो पूरी हो जाती है, मतलब कोई कच्चा ना रह जाए, इसलिए ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया इसका, ये देखें ये कितना प्यारा माशाल्लाह, तो गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है, तो अब हम इसको निकाल रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना प्यारा है, अब ये नहीं मैं जो बकाया वो भी डाल देती हूँ, ये और खुशबू माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी आ रही है, जो मिक्सिंग है बहुत ही अच्छी हो गई है, मसाला भी ऊपर बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है, बिल्कुल भी कोटिंग नहीं उतरी, तो हम लोगों ने आप लोगों के सामने इसको बनाया है, तो माशाल्लाह जैसे हम लोगों ने डाला था वैसे ही मसाला लगा हुआ है, हम लोगों ने ओवर कोटिंग नहीं करना है इसको, बस हल्का सा हमें इसको सिर्फ कोट करना है लेकिन ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने आपको पता है बाज़ार जैसा बनाना है बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा बनाना है टेस्ट में, तो और हेल्दी हाइजीनिक फूड बनाना है, तो बिल्कुल वैसा ही तैयार हो रहा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक दें। यहाँ पर जो हमारा चिकन है वो बन रहा है, हम वेट करते हैं आपको दोबारा दिखाते हैं कैसे सर्व करना है इसको। जी तो व्यूअर्स अब आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो सा हमारा चिकन पकौड़ा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, हम लोगों ने इसको डिश आउट कर दिया है, तो ये देखें आप लोग इसकी सर्विंग हम लोगों ने केचप के साथ की है, यहाँ पे हम लोगों ने सिरके वाले प्याज जो कि होटल से हम लोगों के साथ आते हैं जब हम चिकन पकौड़ा मंगाते हैं तो वो भी हमने तैयार किया, और हल्की सी इसके ऊपर केचप डाल दिया क्योंकि वो केचप भी उसके अंदर शामिल होती है, तो यह हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप ये जो हमारी मेन रेसिपी है आज की चिकन पकौड़ा देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये देखें आप,
तो गोश्त बिल्कुल जो है वो गल चुका है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू इस वक्त आ रही है यहाँ पर। और उम्मीद करते हैं व्यूवर्स कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो हमें फीडबैक दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हम आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी सिखाते रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो व्यूवर्स अब हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें और हमें बताइएगा कि जो मज़ेदार चिकन पकौड़ा है वो कैसा बना, होममेड चिकन पकौड़ा, क्योंकि इसके खाने के बाद आप लोग बाजार का बिल्कुल भी चिकन पकौड़ा नहीं खाएंगे, उसके टेस्ट को भूल जाएंगे। तो हम लोग आप लोगों के लिए दुआ गो हैं, आप लोग हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ अगली रेसिपी में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।